सुबह सुबह धूप जरूर टहलिएगा और धूप का प्रकाश जरूर लीजिएगा, इसे विटामिन डी होता है। और भगवान जी जो है ना, सूरज भगवान जी, वह पूरा खींच लेते हैं बीमारी को, ठीक है। इसलिए आप लोग सूरज के प्रकाश को जरूर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे निमोनिया। जी हाँ, निमोनिया एक ऐसा बीमारी है जो कि बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति को सबसे ज़्यादा होता है। अगर इसको सही समय से इलाज नहीं किया जाए तो इंसान को जान बचाना मुश्किल हो जाती है। दोस्तों जानते हैं जान बचाना क्यों मुश्किल हो जाती है? क्योंकि निमोनिया में फेफड़ा में सूजन हो जाती है। जब सूजन हो जाती है तो इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उनको मौत हो जाती है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे आखिर निमोनिया क्या होता है और निमोनिया का लक्षण क्या है, और उसका घरेलू उपाय भी आपको हम बताएंगे, और उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब लोग क्या करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप लोग समझ सके। यह वीडियो आप लोगों को कभी ना कभी जरूर काम में आ जाएगा दोस्तों। और आप लोग से एक बात कहना चाह रहे हैं, अगर आप लोग को कोई भी बीमारी से संबंधित जानकारी के लिए आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और इंस्टाग्राम पर पूछिएगा, हम आपको मदद जरूर करेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों, हम लोग बहुत आसान भाषा में समझ रहे हैं कि निमोनिया आखिर होता क्या है। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, वाकई समझ में आप लोग को आएगा। देखिए निमोनिया, जी हाँ, निमोनिया जो है या फेफड़ा देख रहे हैं, इसको फेफड़ा, यही फेफड़ा में अगर सूजन हो जाती है तो इसी को हम लोग निमोनिया बोलते हैं। और जानते हैं फेफड़ा में सूजन क्यों होती है? क्योंकि देखिए इसके अंदर जो है ना, एक देखिएगा फूकना की तरह, रबर की तरह होगा, जिसको हम लोग एल्विओलाई कहते हैं, दम फूकने की तरह है ना, स्पंज की तरह, इसी में अगर पानी हो जाती है कि या पस हो जाती है तो क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाती है। जब इन्फेक्शन हो जाती है तो फेफड़ा में सूजन हो जाती है, जब सूजन हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं। दोस्तों आखिर निमोनिया क्यों हो जाती है? देखिए निमोनिया जो होने का बहुत सारे कारण होते हैं, सबसे मेन जो कारण हम आपको बता रहे हैं वो है बैक्टीरिया। जी हाँ, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से आपको फेफड़ा में सूजन हो जाती है। वो भी जानते हैं कौन सा बैक्टीरिया की वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाती है? यह ध्यान से सुनिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसके वजह से भी आपको निमोनिया हो जाती है। यह एक बैक्टीरिया है, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया, यह भी एक बैक्टीरिया है जिसके वजह से आपको निमोनिया हो जाती है। कुछ फंजाई के वजह से भी निमोनिया हो जाती है, और कुछ वायरस के भी वजह से निमोनिया हो जाती है। वायरस में आप लोग देखे होंगे ना दोस्तों, कोरोना वायरस, जी हाँ, कोरोना वायरस में क्या हो रहा था कि फेफड़ा जो है, फेफड़ा उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक कर दे रहा था वायरस, ठीक है, जिसके कारण से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है, आदमी की मृत्यु हो जा रहा था। एकदम सेम इसी तरह निमोनिया में भी आपको देखने को मिलता है। जानते हैं दोस्तों, अगर आपको मेन जो कारण है, अगर इम्यूनिटी अगर आपका ठीक है ना, जी हाँ, अगर इम्यूनिटी आपका ठीक है तो यह वायरस हम जितना बताए ना, ये सब तुरंत आएगा, तुरंत भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? क्योंकि इम्यूनिटी मार के बिला देगा। अगर इम्यूनिटी कमजोर है ना तो समझ लीजिए कि आपको यह हो जाएगा। इसलिए देखते थे कोरोना वायरस में हर एक लोग को बोला जा रहा था कि अपना इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपना इम्यूनिटी बढ़ाइए। इम्यूनिटी बढ़ा रहेगा सब बीमारी भाग जाएगा। इम्यूनिटी सब शरीर के, यानी कि समझिए कि रक्षा करने वाला काम है। आप लोग को बार बार बोलते हैं और बताए भी करते हैं, इसलिए आप लोग इम्यूनिटी को अपना मजबूत करके रखिए। इसलिए बोल रहे हैं कि जब 3 साल से जो कम बच्चा होता है ना, और बड़े व्यक्ति जो है 50 से ज़्यादा होता है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, जिसकी वजह से यह सब बीमारी ज़्यादा होती है बच्चे और बुजुर्ग में। इसलिए आप लोग इम्यूनिटी अपना जरूर बना के रखिए। और दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि आखिर निमोनिया का लक्षण क्या देखने को मिलता है। देखिए अगर आपको निमोनिया का जो लक्षण दिखेगा ना, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइएगा। देखिए पहले का जो लक्षण है ना, एकदम सेम नॉर्मल, जैसे सर्दी खांसी बुखार होता है ना, जैसे फ्लू होता है, एकदम ऐसा ही एकदम सेम लक्षण दिखाई देता है, ठीक है। अगर इसको सही से इलाज नहीं किया जाए तो यही जो है निमोनिया जो है ना, कन्वर्ट हो जाता है। सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है, निमोनिया में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आपको थोड़ा सा भी सामान्य भी सर्दी जुकाम हो तो डॉक्टर से प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करवाइए, जिससे आपको ठीक हो जाए और निमोनिया नहीं हो। तो आइए जानते हैं कि निमोनिया का लक्षण क्या होता है। देखिए निमोनिया का लक्षण होता है कि फेफड़ा में जो कफ हो जाती है तो घर घराहट की आवाज आती है, ठीक है, और सीने में भी दर्द होती है, और प्लस चलने में सांस फूलता है, और इस तरह बैठे रहेगा तो दम फूलेगा पूरा, ठीक है, और बुखार आएगा, और बुखार के साथ साथ आपको ठंड भी लगेगा, और ठंड जब लगता है तो पूरा पसीना भी निकलता है शरीर से, ठीक है। तो यह है निमोनिया का लक्षण, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ आपको थकान ज़्यादा महसूस होगा, और कमजोरी ज़्यादा महसूस होगा, और भूख बिल्कुल नहीं लगेगा, और सीने में दर्द होगा, ये तो हम पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो यह सब लक्षण आपको दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है, और उसको प्रॉपर तरीके से इलाज कराइए कि डॉक्टर आपको सही समय पर बचा सके। अगर इसी को सामान्य सर्दी जुकाम समझ कर इसको छोड़ दे रहे हैं, प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं कर रहे हैं, तो यही निमोनिया में आपको कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए आप लोग निमोनिया का सही से इलाज करवाइए। तो दोस्तों अब आइए हम लोग जानते हैं कि निमोनिया का घरेलू उपाय क्या करना चाहिए। देखिए घरेलू उपाय करिएगा ना, अगर मान लीजिए कि आपको निमोनिया नहीं है तो उसको
घरेलू उपाय आप लोग कर सकते हैं। अगर निमोनिया भी आपको है तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है तपर भी कर सकते हैं, तपर भी आप लोग घरेलू उपाय कर सकते हैं ताकि आगे चलकर नहीं हो। देखिए आपको करना क्या है कि तुलसी जी के पत्ता और अदरक लौंग और उसमें शहद डालकर उसको चाय बना दीजिए। चाय बनाकर आप सुबह शाम पीजिए, आपको क्या होगा कि निमोनिया नहीं होगा। अगर निमोनिया होगा तो निमोनिया से राहत मिलेगा। जी हाँ, लहसुन भी बहुत फायदा काम करता है क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरिया और एंटी फंगल्स गुण होता है जो कि यह सबको वो खत्म कर देता है चुटकी में, ठीक है। इसलिए आप लोग लहसुन का भी प्रयोग कर सकते हैं दो सुबह दो शाम को, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगा। जी हाँ, अगर आपको इम्यूनिटी मजबूत है तो समझ लीजिए कि सब कुछ मजबूत है, ठीक है। आप लोग कोरोना में देखे होंगे लहसुन का ज्यादा प्रयोग हो रहा था, तुलसी जी का पत्ता का ज्यादा प्रयोग हो रहा था, गाढ़ा बनाने का ज्यादा प्रयोग होता है क्योंकि इम्यूनिटी भी बढ़ रहा था, बैक्टीरिया भी मार रहा था। इसलिए आप लोग लहसुन का भी प्रयोग जरूर करिएगा। और इसके साथ दोस्तों हल्दी का भी सेवन जरूर करिएगा। देखिए हल्दी के पाउडर जो है 2 चम्मच डेली दूध के साथ आप पीजिएगा, इससे इम्यूनिटी आपको मजबूत होगा और लीवर को भी साफ करेगा, लीवर भी मजबूत करेगा। इसलिए आप लोग हल्दी का भी सेवन जरूर करिएगा, इसमें भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेशन गुण होता है जो कि चुटकी में मार देता है उसको, इसलिए आप लोग इसका भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। और दोस्तों मेथी, जी हाँ मेथी को करना क्या है कि मेथी के पानी में पानी ले लीजिएगा, उसमें 2-4 चम्मच डाल दीजिएगा मेथी और उसको पानी को उबाल दीजिएगा, पानी को छानकर और पानी को पी जाइएगा। इससे क्या होगा कि जो बुखार आता है ना निमोनिया को, वह बुखार आपको नहीं आएगा, इम्यूनिटी भी इससे भी आपको मजबूत होगा। और दोस्तों आप लोग नमक, जी हाँ नमक पानी के गलगला जरूर करिएगा। इससे क्या होगा कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे वायरस होगा ना तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई भी हो बैक्टीरिया यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो, और इसको गलगला करके फेंकते रहेगा। और गर्म पानी का भाप आप लोग जरूर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि भाप लीजिएगा तो अंदर जाएगा, कप पिघल कर मुंह से निकल जाएगा तो इन्फेक्शन का डर बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसका प्रयोग जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर साहब लोग कौन सा इलाज करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब लोग इलाज करते हैं आप पेशेंट को स्थिति देखते अनुसार, स्थिति देखते हैं कि पेशेंट का स्थिति क्या है। स्थिति अगर सही है तो उस हिसाब से करते हैं, स्थिति गंभीर है तो उस हिसाब से इलाज करते हैं। तो दोस्तों देखिए कुछ ऐसे मेडिसिन बता दे रहे हैं जो कि आप लोग को जाना जरूरी है, ऐसे पूरा ट्रीटमेंट नहीं बताएंगे क्योंकि पेशेंट को देखते हैं अनुसार स्थिति, यानी समझ लीजिए दिमाग खुलता है, ठीक है, क्या क्या कंडीशन है वो हिसाब से मेडिसिन दिया जाता है। कुछ ब्लड टेस्ट होता है और टेस्टों को पता चलता है कि इसका क्या कौन कौन सा मेडिसिन हम दे सकते हैं, क्या चलाना नहीं चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, देखने के बाद पता चलता है। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए आपको क्या होता है कि फेफड़ा में जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, तो इसके लिए आपको एक एंटीबायोटिक देगा लोग जिसको मार दिया जाता है, तो कोई भी एंटीबायोटिक दे देगा, ज़्यादा से सीरियस कंडीशन है तो आपको एक इंजेक्शन देगा जिसका नाम है मोनोसेप 1 ग्राम, ठीक है, सुबह शाम आप ले सकते हैं। वह भी एडल्ट के लिए है, चाइल्ड के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कभी बना देंगे, ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर दर्द बुखार आ रहा है तो उसको लिए दर्द बुखार के आपको कोई दवा दे देते हैं जिसका नाम है रिपोर्ट देखने के बाद, ठीक है, नॉर्मल देते हैं जो कि 0 डॉट SP, वह समझ लीजिए कि आपको दर्द बुखार सूजन में भी आपको काम करता है। लोग कफ और दम फूल रहा है तो उसके लिए आपको ब्रोजीडीएक्स कफ सिरप आता है या ग्रीटस BM सिरप आता है, ठीक है, तो यह आपको दे देगा लोग, जिसे आपको 10-10 ml 3 टाइम पीजिएगा तो बहुत जल्दी राहत देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको इम्यूनिटी अगर कमजोर है तो इम्यूनिटी अपना बढ़ियार करके रख लीजिए। इम्यूनिटी कैसे बढ़ियार करेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हम बता दिए थे कि आप प्रोटीन पाउडर आप ले लीजिए 2 चम्मच सुबह डेली पीना है दूध के साथ, 2 चम्मच शाम को आप दूध के साथ प्रयोग करिए। अच्छे जो घरेलू उपाय बताएं उसको भी प्रयोग करिएगा तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगा। और इसके साथ विटामिन सी, जी हाँ विटामिन सी का भी आप प्रयोग कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगा। मात्र आप लोग 1 महीना तक जो रेगुलर करते रहिए इससे आपको इम्यूनिटी मजबूत रहेगा। और सुबह सुबह धूप जरूर टहलिएगा और धूप का प्रकाश जरूर लीजिएगा, इससे विटामिन डी होता है और भगवान जी जो है ना सूरज भगवान जी वह पूरा खींच लेते हैं बीमारी को, ठीक है, इसलिए आप लोग सूरज के प्रकाश को जरूर लीजिएगा, ठीक है। सूरज भगवान जी चाहेंगे तो खत्म हो जाए, तुरंत ठीक कर देंगे, ठीक है, इसलिए उनका पूजा जरूर करिएगा, पूजा भी करिएगा, ठीक है, सुबह उठकर थोड़ा लंगूर लगेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा सा रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन इंस्टाग्राम पूछेगा नए हैं तो दाब दीजिएगा, ठीक है, चल रहे हैं, बाय।